हिमाचल प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन की 30वीं वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हमीरपुर कॉलेज के सिंथेटिक ग्राउंड में हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने आए हुए खिलाड़ियों का अपने गृह जिला में स्वागत करते हुए उन्हें खेल की उच्च भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारों ने प्रदेश में खेल ढांचे के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसका उदाहरण हमीरपुर का सिंथेटिक ट्रैक है। उन्होंने खिलाड़ियों को इन सुविधाओं का लाभ लेते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला ने प्रदेश ही नहीं देश की खेलों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और इसी के अनुरूप प्रदेश के अन्य हिस्सों के खिलाड़ी भी प्रयासरत हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने के लिए भी सलाह दी और जीवन में खेलों को अपनाकर इस कुरीति से बचने को कहा। इससे पूर्व प्रदेश प्रतियोगिता आयोजन समिति के सचिव और हमीरपुर जिला के अध्यक्ष पंकज भारती ने आए हुए अतिथियों व प्रदेश के विभिन्न भागों से आए हुए खिलाड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में पहली बार प्रदेश के सभी 12 जिलों से 450 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, हिमाचल ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष तेज प्रकाश चोपड़ा, भाजपा जिला महामंत्री हरीश शर्मा, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष व हिमाचल की पूर्व खेल निदेशक सुमन रावत मेहता, हिमाचल एथलेटिक एसोसिएशन के महासचिव चंद्र प्रकाश मेहता, एथलेटिक कोच भूपेंद्र सिंह, कहर सिंह, अनूप राणा और सूरज ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।